बेटी, यहाँ मोबाइल का प्रयोग करना मना है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा? आपने जो किया वो गलत है ना? गलत गलत बोलकर चिल्ला क्यों रहे हैं? अब क्या करेंगे? फाइन लेंगे? ये लीजिए। जब तक पाप का घड़ा न भर जाए, गलती समझ में नहीं आती। जब समझ में आती है तो उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। भगवान तुम्हारा भला ही करेंगे। This is too much. Too much, three much के बारे में बाद में बात करेंगे। रिजल्ट क्या है ये बताओ। नहा कर आकर बात करती हूँ, रास्ता छोड़ो। कब से मैं टेंशन में हूँ यार, रिजल्ट क्या है बताओ ना प्लीज यार। कहाँ ना आकर बता दूंगी, छोड़ो अभी, जाने दो मुझे। नहीं बताओगी तो जाने नहीं दूंगा। बताऊंगी तभी जाने दोगे? पॉजिटिव आएगा तो जाने दोगे? पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, समझी? लेकिन रिजल्ट क्या आया है मुझे ये जानना है यार। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो पागल? नेगेटिव आया, मैं प्रेग्नेंट नहीं। या? या? ओ या, ओ या। मेरी जानू, इतना बताने के लिए इतना सता क्यों रही थी? ठीक है जाने दो। एक मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या हो गया अब? Say hello to MBA kid, baby. Okay. कैसा है मेरा टैलेंट? ये देखते ही मेरे डैडी पैसे भेज देंगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया होता तो डैडी पैसों के साथ साथ थोड़ा सा प्यार भी भेज देते। वो बिजनेस होता है, बिजीनेस नहीं। बंदर। अरे यार, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? स्पेल स्टुपिड, गधा, पागल कहीं का, यूज़लेस। ए, सुबह सुबह इतना ज्यादा भड़क क्यों रही हो? और किसे, उस कार्तिक को डांट रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? उसके लिप्स पर किसी के काटने का मार्क है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा बिल्ली ने काटा है। काटने और नोचने में डिफरेंस होता है, मैं नहीं समझूंगी। सच कहूं तो कोई जंगली बिल्ली हो सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब जाने दो, होम्योपैथिक दवा लगाओगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसे जो करना है करे। हाँ, और वैसे भी तुम भी तो इतने लोगों को बकरा बनाती रहती हो, तो आज तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? कल नया साल है ना, सब कुछ भूल कर नई लाइफ स्टार्ट करूंगी मैंने सोचा था। सो इरिटेटिंग यू नो। आज 31st है। अरे यार, हमने पार्टी के लिए तो कुछ अरेंज ही नहीं किया। ए, किसी पब में चलते हैं ना हम लोग, प्लीज। चल निकल, परसों ही 50,000 रुपए चोरी हुए थे, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। ऊपर से आज हर जगह का रेट ज्यादा होगा। ओके, आज रात हम घर में ही न्यू ईयर की जबरदस्त पार्टी मनाएंगे। हाँ, जो करना है करो, जहाँ करना है करो, मैं जाकर 10 मिनट के लिए सो जाती हूँ। विक्रम को कॉल कर रहा हूँ, उसका क्या प्रोग्राम है उससे पूछता हूँ।
कथा कहीं का नॉट रीचेबल बता रहे इसका फोन अपने फ्लैट में ही होगा। चलो हम चल के बात करके आते हैं ना। अरे चलते हैं ना मधु प्लीज। Hands up. You are under arrest. जाना। पुलिस वाले मुझे अरेस्ट नहीं कर पाए तो फिर तू क्या करेगा? क्या बात है भाई, आजकल तू इतना सुधर कैसे रहा है? रूम को रेनोवेट कर रहा है क्या? सिर्फ रूम ही नहीं यार, मैं खुद को भी रेनोवेट कर रहा हूँ। हेलो, क्या है ये? कैलेंडर में हॉट लड़कियाँ क्या कमाल की लगती है, और तू यहाँ पर साधु संत की फोटो लगा रहा है, पागल हो गया क्या? हॉट लड़कियाँ अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती है तो फिर हम जैसे लोग क्या चीज है, इसलिए मैं उन्हें दूर से ही प्रणाम करता हूँ। क्या बात है भाई, आजकल बहुत अच्छा बन रहा है तू। क्या वो सब जाने दे, आज रात की पार्टी के बारे में क्या? अरे बस हो गया यार, लेट नाइट पार्टी, दारू, सिगरेट, थू कैसी गंदी जिंदगी जी है हम लोगों ने। मैंने डिसाइड कर लिया है अब से इन सब को फुल स्टॉप लगाकर नए तरीके से नई जिंदगी जीने का सोचा है मैंने। भाई अगर तू इतना अच्छा बन गया तो फिर हमारा साथ कौन देगा यार? अबे तेरे ऊपर मुझे भरोसा है, मैं तुझ पे अभिमान करता हूँ, समझा ना? अगर तेरे कहने से चला ना तो मेरी कहानी का दी एंड हो जाएगा। अबे जा तेरी तो। अरे बाप रे, ये क्या है बे? इतने अच्छे आइटम को तू फेंक रहा है, पागल हो गया क्या? आइटम अच्छा है या बुरा इसे जानने के बाद ही फेंक रहा हूँ। मेरी एक बात ध्यान से सुन, तू वापस अगर मेरे पास इसे लेकर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। पिताजी बहुत हो गई आपकी फिलोसफी, अगर आप चुप नहीं रहे तो मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। अच्छा वो सब छोड़ यार, मुझे डीलर का नंबर दे, मैं डायरेक्ट डील कर लूंगा, समझा ना? अबे सुन बे, खराब चीज के बारे में खुशी से पूछता है, अच्छे चीज के लिए पूछता हूँ तो नखरे दिखाता है। गुस्सा नहीं करते हैं मेरी जान, पार्टी का सारा मूड खराब हो जाएगा, तू तो मुझे बस डीलर का नंबर दे दे। तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं, पागल कही का, तुझे जो कुछ भी चाहिए ना उस डिब्बे में देख ले और मेरी जान छोड़। No, thanks. मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो यही कहीं देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, इसके पहले भी तुम्हें मैंने कहीं देखा है। हाँ देखा, याद नहीं आ रहा। कहीं मिल नहीं रहा यार। अरे वही कहीं होगा, ध्यान से देखना। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे तूने 14 दिन से ब्रश ना किया हो। तू क्या बे, क्या कर रहा है तू? विक्रम बोल रहा है कि वो अब कोई डीलिंग नहीं करेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डील कर रहे हैं, समझे? डीलर लोग कार्ड भी रखते हैं क्या? हाँ, बस तुझे थोड़ी देर चुपचाप रहना होगा, तभी मैं फोन करके ऑर्डर कर पाऊंगा। जल्दी कर फिर, एक नंबर मिस हो गया यार। सो व्हाट, 10 नंबर ही तो है, सारे नंबर्स लगाकर ट्राई करेगा तो कोई ना कोई लग ही जाएगा। अरे वाह, वैसे एक बात बोलूं, कभी कभी तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। डार्लिंग, कोई एक नंबर बताओ। फाइव तेरा लकी नंबर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इज दिस मिस्टर रंगा? इट्स पावर रंगा। What, darling? देख रही हूँ तुम तब से पागलों की तरह गाए जा रहे हो। 31st की नाइट है मधु, जोश से भरा हूँ मैं। हे, अब इसी जोश के साथ यहाँ आ जा। ए, तू, क्या है तेरा? चाहे जहाँ भी जाओ कोयल को कौवा सताता ही है, बताओ क्या हुआ? चिली चिकन रेडी। चिकन? कहाँ है तुम्हारा चिकन? यहीं पर तो है। हाँ? ये? हाँ। अच्छी, देखने में इतना खराब लग रहा है, खाऊंगा तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं खाना भाई। मधु तू टेस्ट करके बता। मैं टेस्ट करके नहीं बताऊंगी, चिली चिकन में कितना सारा कलर वलर रहता है, ऊपर से मुझे भूख भी नहीं लगी है। नहीं चाहिए तो छोड़ो, मैं खुद खा लूंगी। टेस्टी चीज को टेस्ट करने के लिए भी टेस्ट होना चाहिए।
ये बताओ तुम्हारा डीलर कितनी देर में आएगा? उसने कहा था एग्जैक्टली 9 बजे आ जाएगा। यस 10 9 8 7 वो इंसान है या माइक्रोवेव जो टाइम मेंटेन करेगा? 3 2 1 Amigo, Namaste, Assalamualaikum, everyone. Welcome to the night of your life. Hey, इसका टैटू और इसके बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे ये कोई अघोरी हो। If you don't mind, your stuff is ready. Can I get the lighter, please? Thank you. Thank you very much. पागल, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी पागल खाने से भाग कर आया है। आप लोग क्रिश्चियन हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्रिसमस ट्री रखा आपने? अच्छा, वो क्या? मेरे बहुत सारे दोस्त क्रिश्चियन हैं इसलिए। लास्ट वीक क्रिसमस था ना, इसलिए हमने पार्टी सेलिब्रेट की थी। Really? मैंने मिस कर दिया। Yeah, I know. But don't worry, boss. Next, कोई भी पार्टी रहेगी, तुम यहाँ पे जरूर रहोगे मेरे बॉस। Really? Really? Your staff. Okay. Super boss, absolutely brilliant stuff, mind blowing. Boss, इस तरह की 1000 सिगरेट पीएं तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक सिगरेट पीने के बाद ना मजा आ जाता है। Thank you so much. मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को अच्छी चीज ही देता हूँ, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैंने जो भी दिया उस चीज को उन्होंने गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो that's not my problem. आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक दिन एक लड़की ने मुझे फोन किया। हेलो, हाय रंगा, मेरे फ्रेंड ने तुम्हारा नंबर दिया है, तुम्हारे पास ये सब है क्या? ऐसा पूछा और मुझे जोर से हंसी आ गई। वो क्यों? यही सवाल उसने मुझसे भी पूछा कि क्यों हंस रहे हो। जो चीज मुझे उससे डायरेक्टली कहनी चाहिए वो चीज अगर मैंने उसे इनडायरेक्टली कही तो वो कुछ करेगी। उसने समझा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। इसी तरह हंसते हंसते उसने मुझे अपना एड्रेस दे दिया। मैं उसके फ्लैट में गया। उसका फ्लैट भी सुपर था, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, स्वर्ग के जैसा घर था। मैं भी करेक्ट टाइम पे गया था, इसलिए उसने खुश होकर मुझे किस कर दिया। मैंने उसे स्टफ दिया और वो स्टफ लेकर ऐसा गाकर रोने लगी। क्यों बॉस, ऐसा क्या कर दिया आपने? हेलो, मैंने कुछ नहीं किया, कोई और करके गया था। क्या? धोखा। वो अपने पति को धोखा देकर उसका पूरा पैसा उठाकर बॉयफ्रेंड के साथ भाग के आ गई थी, और उसका बॉयफ्रेंड उसका सारा पैसा और उसके पति का सारा पैसा उठाकर गायब हो गया। बॉस, उसके बाद क्या हुआ? उसने भी मुझे धोखा दिया। कैसे? मैंने उससे पैसे मांगे, उसने कहा मैं लॉस में हूँ, मेरा पूरा बदन भरा हुआ है, चाहे तो रात रंगीन कर लो। हे वेदा, तेरे भाई बहन की तरफ से कोई रहेगा नहीं, देख ले। आपने फुल एंजॉय किया ना? No. क्यों, अच्छी नहीं थी क्या? सुपर्ब थी, सुंदरी, सुंदरी शब्द के लिए वो परफेक्ट थी। ऐसा है, तो फिर तुमने क्या किया? Nothing. मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? वो मेरे पास आई, मेरे पैरों को टाइटली पकड़कर उसने आंखों में आंखें डालकर देखा। हाँ। मैं लाचार हूँ, मैं अबला हूँ, मैं बेचारी हूँ, लाचार हूँ, अबला हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हो गया? छोड़ा तो बिल्डिंग से नीचे गिर के मर गई। क्यों? पैदा होने के लिए कई सारी वजहें होती हैं, पर मौत के लिए
There is no reason. There is no reason. Hey! Yeah! Woo-hoo! Wonderful! Woo-hoo! Sexy story, boss. Seriously. उसकी मौत तेरे लिए sexy story है. Yeah. Huh? Hey, Vida. हाँ? उसका hangover तुझ पे चढ़ गया है क्या? Hey, ये दिखने में. ओसामा. ओसामा बिन लादेन की तरह है ना? ओसामा बिन लादेन. क्या बोल रही है ये? क्या बोल रही है? क्यों मैं तुम्हें ओसामा बिन लादेन लगता हूँ? ये तेरी लड़की ऐसे क्यों बात कर रही है? समझा इसे. वो मेरी लड़की नहीं है, मेरी लड़की ये है. अच्छा ये तेरी है क्या? मैं ओसामा बिन लादेन नहीं हूँ. I am Usman Khardain. असदुल्ला की सदुल्ला अल्लू के काका, दुर्गों के तानों के फेंकों के झोंका, दुर्गों ने कामों के किसानों के सोका, सरगट के सोने के सोनू के पापा. इसका मतलब क्या है? अन्न में सबसे पहले चावल को ढूंढा गया. जो सबसे पहले आते हैं सबसे पहले जाते हैं. और कोई गिनती नहीं है इस दुनिया में लोगों की. जैसे तिनके तिनके पे लिखा है खाने वाले का नाम. दानी दानी पे लिखा है खाने वाले का नाम. ये कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी. लेकिन भट्ट लोग तो ऐसा कुछ नहीं लिखते है ना. इट्स टीवी जी. अच्छा. वो क्या बॉस? तू है इसे लिखने वाला. डीवी जी है. मंकुतिमा. जिंदगी जीते हैं चलो. इस विधि का विधान है ये. जिंदगी दौड़ रही है मानो कोई तेज घोड़ा दौड़ रहा हो. जिंदगी बढ़ रही है मानो पीपल का पेड़ बढ़ रहा हो. लेकिन हर कोई कभी ना कभी जिंदगी में थमता है जरूर. पर इसका सिर्फ एक ही उपचार है मंकुतिमा. एक ही उपचार है मंकुतिमा. 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 I love Tima. अरे ओ भाई ये कौन है? ये तो वैसे ही हो गया. 5-6=1. बॉस आपकी बात सुनने पे लग रहा है आपके ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे है ना? हाँ, चाय बेचने वाले से लेकर टाटा कंपनी के ओनर तक मेरे कस्टमर्स हैं. रिक्वेस्ट एक ही है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है. बॉस आपकी लिस्ट में सेलिब्रिटीज हैं क्या? मतलब हीरो और हीरोइंस. तेरी हीरोइन तो यहीं पर है ना? ऐसी बात नहीं है बॉस, सुनने की क्यूरियोसिटी हो रही है इसीलिए पूछ रहा हूँ बॉस. क्या हुआ? क्यूरियोसिटी है? इस उम्र में क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा ही रहनी चाहिए. I like it. पेंसिल का पहला शत्रु है मिटाने वाला रबर. गलत लिखोगे तो छोड़ेगा नहीं चाहे कुछ भी कर लो. Yes. पेंसिल का दूसरा शत्रु है उसको घिसने वाला शार्पनर. शार्प होने तक कुछ होता ही नहीं चाहे कुछ भी कर लो. वाह क्या बात है बॉस. बहुत सही बहुत सही. सुपर बहुत सही बहुत सही. आपकी ये स्टोरी मुझे समझ में नहीं आई बॉस. तुम तीनों साथ में रहते हो क्या? नो वेज. मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है. मैं यहाँ सिर्फ पार्टी करने के लिए आई हूँ. ये दोनों लिविंग टुगेदर. ओह रियली? लिविंग टुगेदर नहीं है बॉस, ये लव इन टुगेदर है. स्टॉप इट. बैंगलोर में व्हाट डू यू स्टडी और समथिंग? रुक जाओ. मैं बताता हूँ बॉस. ये वेदा है ना, 2400 घंटा हाथ में ये लिए रहती है. लड़कों को बकरा कैसे बनाना इस बारे में इसने PhD कर रखी है. बात बात पे ये सेल्फी लेती है और अपलोड कर देती है. सेल्फी लेती है अपलोड कर देती है. सेल्फी लेती है अपलोड कर देती है. सब इसकी प्रोफाइल पे कमेंट्स और लाइक करते रहते हैं. और इसके बॉयफ्रेंड्स की फोटो चेंज होती रहती है. अगर ये टैब आधा घंटा इसके हाथ से दूर हो गया तो इसके प्राण पक्षी बनकर के उड़ जाते हैं. तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है और मेरी जान इस टैब में है. अभी अगर ज्यादा बात करेगा ना तो टॉमी से तुझे कटवा दूंगी समझा. बो. मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ. ऐसा है तो मेरा भी फैशन डिजाइन करो. श्योर. यू आर अ फैशन डिजास्टर. यू नो व्हाट, ये अपने बाप का पैसा उड़ा के पढ़ाई छोड़ के मस्ती कर रहा है. 3 साल से इसने कॉलेज का चेहरा तक नहीं देखा. टेक्स्ट बुक की पढ़ाई छोड़ के ये सेक्स बुक पढ़ता रहता है. चुप हो जाओ. वो सब पढ़ने का जमाना चला गया, अब तो डायरेक्ट इंटरनेट पे देखने का जमाना. बैम, 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 बैम.
सीरियसली बॉस, मेरे बाप ने मुझे यहाँ MBA करने के लिए भेजा है, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। इट्स जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी, यू नो। इस गए गुजरे देश में ये जरूरी है क्या बॉस? इसे सब स्वतंत्र भारत बोलते हैं, कहाँ से स्वतंत्र है? हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता है क्या हमें? पापा जो कहें वो कोर्स कर लो, मम्मी जिससे कहें उससे जाके शादी कर लो। इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है बॉस। फिलहाल तो मैं अपना इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हूँ। इंस्पिरेशन इसमें जोगी और पंडित लोग ये मारकर भगवान को ढूंढते हैं, अब तू कौन सा इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है? So funny. Inspiration. Inspiration. क्या जा रहा है तू? छुप के रोने जा रहा है? मैं तुझे लॉलीपॉप दूं क्या? हे, तू चूस रही है ना, तो चुपचाप बैठ के चूसती रह। ए, नन्ना मुन्ना बच्चा, इतनी जल्दी रूठ गया। ए, ज़्यादा बोली ना तुम। क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है? इसकी बातों पे कौन नाराज होगा बॉस? मैं तो जा रहा हूँ बाथरूम। मेरी तरफ से भी थोड़ा करके आना। क्या बात है बॉस? What about you? What's your plan? Not sure. बैंगलोर में अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। ओह या। बैंगलोर में तू नहीं है ये तो मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन इस शहर में आने के लिए कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। तुम यहाँ गांजा बेचने आए हो या फिर इंक्वायरी करने आए हो? Hey, just casually पूछा मैंने। Whatever. You cheated stupid idiot. देख यहाँ पे क्या कर रहा है ये? मुझे सच सच बता बदु, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ क्या? अच्छी दिखती हो? क्यों, क्या हुआ? बॉस, मैं सेक्सी नहीं हूँ क्या? Damn sexy. मेरी जैसी सेक्सी लड़की को छोड़ के ये देखो पिज़्ज़ा जैसी लड़की के साथ है, इसके लिए इसने मुझे धोखा दिया है बॉस। सी? Oh shit. बंदरिया के साथ गधा, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। I'm sorry. How sweet. Hey, जम्मू की रानी, इसलिए कहते हैं कि लड़कियों को हमेशा स्मॉल स्टोन की तरह होना चाहिए। बिग स्टोन हो गई तो ऐसा ही होता है। Hey, what stone was stone? I wanna be the hot girl. मुझे साड़ी पहन के कुमकुम लगा के भारतीय नारी की तरह रहना चाहिए क्या? I don't want to be a भारतीय नारी, I want to be दुनिया की नारी। दुनिया की नारी? हाँ, वो तुझे छोड़कर गया तो नाराज नहीं है क्या? बहुत ज्यादा, थोड़ा सा। जब तक ब्यूटी है ना तब तक बकरों की कमी नहीं है बॉस। ए बकरा, सॉरी सॉरी रॉकी, ये कहाँ था? विक्की इसे बाहर फेंक रहा था, उसे नहीं चाहिए तो मैं लेके आ गया। प्रॉब्लम है क्या? मैं तुम लोगों को खुशी दिलाने आया हूँ, और तुम्हें खुश करने के लिए मैं पूरी तरह रेडी हूँ, और खुश होने के लिए तुम लोग रेडी हो? यस। मुझे भी बात करने का मौका दो। मेरी बात सुनो। दिखाओ। थैंक यू। ये मैंने आज रात के लिए अपने लिए रखा था, लेकिन तुम सबको देखने के बाद इसे तुम्हें देने का मन कर रहा है मेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट यू द बेस्ट बीड ऑफ द कंट्री। ये तुम्हें खुशियों के आकाश में ले जाएगा और उधर उड़ाएगा। इसका नाम मैंने रखा है दामोदर।
And light man. ये क्या है बॉस? इसका तो नाम सुनते ही मुझे किक लग रही है। वैसे इसका रेट कितना है बॉस? Hey, come on man, come on, तुम सब मेरे फ्रेंड्स की तरह हो। मैं आज रात को आप लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ। सच कहूँ तो आप सच में मेरी नजरों में भगवान की तरह नजर आ रहे हैं। मैंने सोचा था आज मेरे इस दुख के लिए मेरे पास कोई दवा है ही नहीं, और इतने में आप अमृत लेकर आ गए। इसीलिए मुझे तू चाहिए बस। प्यार ही जिंदगी है। शेयर मार्केट की कोई कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों में? कभी भी बांट कर खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। कॉमन सेंस। हेलो, इट्स योर टर्न। नो थैंक्स, मेरा मूड नहीं है। कम ऑन यार मधु, कम ऑन, ट्राई ट्राई, ये रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। इट्स नॉट दैट चॉकी। हर वक्त ऐसे बर्ताव मत कर जैसे आकाश से उतर कर आई है। क्या दिक्कत है इसमें? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? उसने उसमें क्या मिक्स किया है तुम्हें पता भी है क्या? ऑलरेडी हमारे घर से 50,000 की चोरी हो गई है, उसके बाद भी बोल रही हो? क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I don't know. कुछ नहीं बॉस, वो क्या है ना, परसों हमारे घर से 50,000 रुपए चोरी हो गए, उसी की बात। शट अप रॉकी, दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी पर्सनल बातें क्यों बता रहे हो तुम इसे? इसे बताएंगे तो तकलीफ हमें ही होगी। इसे बताएंगे तो तकलीफ होगी, और तुम पर भरोसा कर सकते हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तुम कौन हो क्या हो मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे जितनी बार पूछा तुमने अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाई। लुक बॉस, बहुत दिनों से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ओके? लेकिन ये कौन है मुझे ये तक नहीं पता। बहुत हो गया, रुक जा। इसका तो फेसबुक अकाउंट भी नहीं है यार। आप ही बताइए बॉस, आज के जनरेशन में कोई भी ऐसा इंसान है क्या जिसका कोई फेसबुक अकाउंट ना हो? कुछ ना कुछ छुपा रही है ये, बैंगलोर में फालतू यहाँ वहाँ घूमती रहती है और बिहेव ऐसे करती है कि बैंगलोर की सुपरस्टार है। देखो वेदा, बहुत हो गया। कम ऑन मैन, कम ऑन, टेक इट इजी, कूल डाउन, कूल डाउन। आज ये पावर रंगा तुम्हें उल्लास के दूसरे शिखर पर लेके जाने आया है। इसका एकदम, इसका सिर्फ एकदम, उससे तुम सब कुछ भूल जाओगे और खुशी सिर तक चढ़ेगी और बॉडी अपने आप डांस करने लगेगी। Pussy cat, where have you been? I've been to London to look at the criminal. तुम लोगों की आज की ये रात तुम्हारी जिंदगी की असली खुशी का डेफिनेशन बताने वाली रात होगी। क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज मिली हुई है।
बहुत मजा आ रहा है। बम बम भोले नाथ। Hey, what is this? Wow! Body ranga! Ow! Special item hai, boss! Aapko pata hai? Ye kya hai, boss? Aapko nahi pata hai, boss? Keel ko hathode se maarne wala zamana gaya, boss. Ab isko isme lagaiye, aur iske baad phir dekhiye mera jadoo kaise aata hai. Main dikhata hoon jadoo. Wow! Yeah! Ow! Rocky! Lighter kahan hai, yaar? Hey, kya hai hamesha bakti rehti hai? यहाँ नीचे फेंका हुआ है और हमसे पूछ रही है बेवकूफ। पकड़ लिया उसे। Taran, 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 taran. क्या निशाना है बॉस? Thank you. Damn you, cockroach! अभी यहाँ अगर मेरी पामेला रहती ना तो वो तुझे छोड़ती नहीं, कभी नहीं। पामेला हर चीज को मुंह से लगा लेती है। एक बार क्या हुआ पता है? रूम में मैंने बैग रखा था। बैग में मेरे बॉयफ्रेंड का फोटो था। You know what? क्या हुआ? पामेला ने उस फोटो पर मुंह लगाकर कच 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 करके पीस पीस कर दिया। ये क्या बक रही है? अरे ये अपने डॉगी के बारे में बात कर रही है। इसका डॉगी हर जगह मुंह मारता है ये बता रही है। कुत्ते के पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले खाना चाहिए क्या? क्या चाहिए, क्या चाहिए खाने को? बोलो बोलो। कुत्ते के पिल्ले खाना खा के क्या करेगा तू? खाना खा के मैं भी शक्तिशाली बनूंगा। इसी तरह एक कुत्ता मेरे साथ मजाक कर रहा था, इसलिए मैंने क्या किया पता है? क्या किया? पहले तो मैं उसका मजाक ऐसे ही सहता रहा, लेकिन रोज रोज उसकी मस्ती बढ़ती गई और मेरा पेशेंस कम होता गया। एक दिन उसके मजाक के ऊपर मैंने पानी फेंक दिया, मेरा पेशेंस भी मर गया, मैंने उसका दांत ही उखाड़ दिया। सच में कहानियां अच्छी बना लेते हो तुम। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, सच के अलावा मैं और कुछ नहीं बोलता। फ्रेंड्स, एक दिन मैं अपने घर गया तो मैंने देखा इस जैकेट को मैं अपने तक कट काट रहा है। ये जैकेट मेरी जान है, आन बान शान है। पहले ही मैं टेंशन में था, ऊपर से मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। मैं सीधा गैराज गया, कटिंग ब्लेड लिया और उस कुत्ते को बीच के हिस्से से पकड़ लिया। उसने मुझे काटने की कोशिश की, भौंकना शुरू कर दिया, कुकू करने लगा वो, लेकिन फिर भी मैंने अपना ग्रिप बनाए रखा और फिर मैंने उसे उठाकर टेबल पर फेंक दिया। फिर कटिंग ब्लेड लेकर उसके सारे दांत मैंने उखाड़ना शुरू कर दिया। वन बाय वन। ये ऐसे क्यों बात कर रहा है यार? इतना सीरियसली क्यों देख रहे हो? ये सीरियस वाले सिर दर्द के लिए सिंपल सा सलूशन है बस। इस दुनिया में किसी को भी लिमिट क्रॉस करके जीना नहीं चाहिए, ये इस प्रकृति का नियम है। और प्रकृति के नियम के खिलाफ गए तो फिर क्या होगा? भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेंगे, सुनामी आएगी,
ऐसे ही समय गुजरते गुजरते पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, पता है क्यों? पता है क्यों? बिलीव इट और नॉट, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। क्या हो गया इसे? ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? इसके ऊपर भूत भूत तो नहीं आ गया ना? मधु, इसे पैसे देके यहाँ से भगा देते हैं। बॉस, या मैं जाके आपके पैसे लेके आता हूँ। Why man? वो भी इतनी जल्दी? हाँ, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। अभी तो किचड़ी कहाँ है? सडनली तू जा बोलेगा तो चलेगा? हाँ, अभी तक तो नए साल की घंटी भी नहीं बजी। वो क्या है बॉस, कल सुबह मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। कॉलेज? ए, 3 साल से तू तो कॉलेज गया ही नहीं है, है ना? कल सुबह जाएगा, वो भी नए साल के दिन। गुड गुड। मुझसे झूठ बोलेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? I'm just joking. ये तेरी पर्सनल लाइफ है, फिर अब तो कॉलेज जा या फिर कॉटेज पे, इट्स योर लाइफ, इट्स योर विश। देखो, मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस किया है, मुझे बहुत खुशी मिली। अरे प्यारे कॉकरोच, इट्स टाइम टू से गुडबाय। नो, मत मारो उसे प्लीज। व्हाई? क्यों नहीं मारना चाहिए? प्लीज जाने दो उसे। क्यों छोड़ूं? क्योंकि किसी को मारना बड़ा पाप है, वो भी तो एक जान है ना। ओ, ओ, जान, मेरी जान, मेरी जान, ए जान, मेरी जान, सब क्यों रहे हो? What is so funny about it? मैं तुझे एक बात बताता हूँ, इसे तू कितना भी समझाएगी तो भी ये नहीं सुनेगा। इसे अगर छोड़ दोगे तो ये वापस आता ही रहेगा। और मुझे ये पसंद नहीं। hey, कोई आने वाला था क्या? नहीं। Oh shit, bad luck, we are in trouble. What do you mean? Oh, पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे लगता है वही आए होंगे। What? What a thrilling moment. पुलिस वाले बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं। बॉस, तुम्हें उठा के ले जाएंगे वो? Nonsense. अब क्या करें? जमा करो इसे, जल्दी जमा करो। जल्दी करो। Oh shit. जल्दी करो। बाथरूम में ले जाओ। I mean, कहाँ है? Oh, इसका मन मेरा। Oh shit! Hey! Are you okay? जल्दी, flush कर दो, सबको flush कर दो। Hey, क्या हुआ? बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस? सब कुछ flush कर दो जल्दी। Hello, अब मैं क्या करूँ?
पिज्जा ऑर्डर किया था। नहीं तो क्या ये तुम्हें पकौड़ा नजर आ रहा है? फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बंदर। डर गई क्या? मेरी डरपोक बिल्ली। उसका चेहरा देखना चाहिए था तुम्हें। उसके पीछे जैसे सुनामी आ गई हो, ऐसे भाग रहा था। बॉस, बाहर आ जा भाई, पुलिस ने पिज्जा आया है। डर गया रंगा, डर गया रंगा, पागल रंगा, डर गया, डर गया रंगा, डर गया। This is Mumbai Police. You are under arrest. Arrest. हाँ स्वामी। ये मजाक नहीं है। तुम सबने मिलकर मुझे अच्छा खासा बेवकूफ बनाया। भले भंगी रंगा। इतना डरने वाले तुम, डॉगी का दांत उखाड़ोगे? शेर की तरह आया था और डॉगी की तरह डर के भाग गया। जब टेंशन होती है तो उस वक्त मजाक करना गलत होता है। ये नाराज हो जाए। डर के भाग गया था। सुनो, अभी जो हम लोग खेल शुरू करने वाले हैं वो सिर्फ फनी नहीं रहेगा, बहुत ही ज्यादा हिलेरियस रहेगा। स्पॉटी नंबर वन, मिस्टर आयरन मैन। आई एम द आयरन मैन। हिट मी, हिट मी। आयरन मैन। या हिट मी। कम ऑन, यू कैन डू इट। क्या हुआ बे? रॉकी, इसे पैसे देकर वापस भेज दो, बहुत हो गया इसका नाटक। एंड यू टेक द मनी एंड लीव दिस प्लेस नाउ। बॉस, इतनी जोर से कोई मारता है क्या? मेरे तो कान का पर्दा ही फट गया। मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। मतलब तुम वो नहीं हो? क्या कर रहे हो तुम? मैं जो करने आया हूँ वही कर रहा हूँ। प्लीज 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 प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। देखो इस वॉलेट में जितने भी पैसे हैं सब ले लो तुम, लेकिन मुझे मत मारो, मत मारो प्लीज।
फैंसी वॉलेट है। सच में तेरा बाप बहुत बड़ा अमीर होगा ना? मेरे डैडी बहुत अमीर हैं। तुम जितना कहो मैं उतने पैसे तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो। इस वॉलेट की कितनी कीमत है? मुझे नहीं पता। इस वॉलेट की कीमत कितनी है? मुझे नहीं पता। कितनी? 15,000। कितनी? 15,000। कितनी? 15,000। तुझमें कितनी कम अक्ल है बे? इतना कॉस्टली वॉलेट कोई खरीदता है क्या? पिछवाड़े में रखने वाली चीज के 15,000 दिए तूने? उसी पैसे में कितने गरीब बिरयानी खा लेते? बिरयानी छोड़, उससे ज्यादा गरीब सात्विक खाना खा सकते थे इतने पैसों में। चल चल उठ रे, नॉनसेंस। तेरे डैडी मेहनत करके पैसे भेजेंगे तो तू महंगे महंगे वॉलेट खरीदेगा, कॉस्टली मोबाइल खरीदेगा। अब कुछ तुझे कॉस्टली चाहिए, कॉस्टली चाहिए ना? घूम मेरी तरफ। ये क्या है? डॉगी का टैटू? तो खुद एक डॉगी और तेरे ऊपर एक डॉगी का टैटू? इस अवतार में अगर तेरे माँ बाप ने तुझे देख लिया ना तो हार्ट अटैक आकर मर जाएंगे वो। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? ये देश बहुत भूखड़ देश है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने बड़े बड़े महान व्यक्ति, अपनी जान देकर तुम लोगों के लिए उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, और तू कहता ये देश खराब देश है। तुम अपने मम्मी डैडी के लिए एक अच्छा लड़का भी नहीं बन पाया और इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक भी नहीं। तुम जैसे लोगों का जीना सिर्फ व्यर्थ है। I am your father. तुम्हें मेरे डैडी ने भेजा है क्या? अरे तेरे दिमाग में कुछ बुद्धि है कि नहीं? कोई भी बाप अपने बेटे को जाके मार बोल के किसी को भेजेगा क्या? चुंबक की रानी, तू क्यों नहीं हंस रही है? क्या मतलब? जब दर्द होता है तो कोई नहीं हंसता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दर्द में कोई नहीं हंसता, लेकिन हाँ, तुझे खुश करने के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ए दर्द, मेरी जिंदगी से दूर हो जा, मुझे थोड़ी खुशी दे जा। हंसो हंसो, हंसने को क्या है, रोने को नहीं, तो फिर हंसो। अगर तू नहीं हंसी ना तो मैं से तब तक लाते मारता रहूंगा जब तक कि ये मरता नहीं है। हंस 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 ना। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, फिर चाहे कोई और जिंदगी से कटे या ना कटे। आजा सोनम, आजा।
Come on, darling. Sit down, darling. अभी तू और मैं मिलके करेंगे सिंगल सॉन्ग. डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग. मैंने तुझे कुत्ते की एक कहानी बताई थी, याद है? इतनी जल्दी भूल गई थी. लेकिन एंडिंग में क्या हुआ पता है ना तुझे? ये उस कुत्ते के दांत से बनाया हुआ है, बहुत ही क्रिएटिव है ना. प्लीज हम सब तुम्हारी बातों पर हंस रहे थे, उसके लिए हमें माफ कर दो. जो चाहिए ले लो प्लीज. जो भी चाहिए वो ले सकता हूँ. जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ ना. मुझे तू चाहिए. खेल से ज्यादा मारपीट पसंद है ना? तुझे मारेगा, छोड़ूंगा नहीं. तो उस पे हाथ चलाता है. इतनी ताकत है तुझमें. आ जा यहाँ पर. कूल बाकी कूल. इसने सांस लेना बंद कर दिया. रॉकी, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा. मरने दो, अगर बच गया तो ये हम सबको मार डालेगा. Thank you.
थक गया हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दो बेटे। मम्मी मम्मी ये मेरे साथ खेल खेल रहा है। मम्मी मम्मी मुझे बचा लो। मम्मी मम्मी कुछ तो करो, कुछ तो करो मम्मी। मैं तीन तक गिनूंगा, उससे पहले दरवाजा खोल दे। इतना याद रख, जो समंदर पार कर सकता है उसे नदी पार करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1, 2, 3 बच्ची, इस समय पे और इस जगह पे मोबाइल का उपयोग करना निषेध है। Give it to me. उठो, उठ जाओ। जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक कोई नहीं सोएगा। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ। अक्सर लोग मरने से पहले क्या सोचते हैं, बताओगे? मैं इतना चिल्लाई, नेबर्स ने तो जरूर सुना होगा। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया होगा। मुझे यकीन है पुलिस आती ही होगी। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये नहीं। कई लोग फांसी चढ़ने से पहले क्या करते हैं, उन्होंने जो भी गलती की हो उस पाप का प्रायश्चित हो जाए, इसलिए स्वर्ग मिलना चाहिए, इसलिए वो लोग अपनी गलती को स्वीकारते हैं। सो ये बाथरूम ही कोर्ट है, और ये बाथटब ही है कन्फेशन बॉक्स, और मैं हूँ न्यायाधीश। देखो, मरने से पहले आप लोग अपनी गलतियां मान लो। हाँ, तुम लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार ओपन नहीं होगा, तो भी खिड़की तो ओपन हो ही सकती है ना। Shut up! हमें इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो? साइको हो गया तुम? Hey, अभी तो मैंने बताया ना कि मैं न्यायाधीश हूँ। हिंदी में बताया तो तुझे समझ में नहीं आता। I am the judge. किससे शुरू करूं? इनी मीनी माइनी मो, इना मीना पीका पो, नंबर किसका निकलेगा वो है तू। कैदी नंबर 1, वेदा वेदा
बेदा। मुझे तू ही चाहिए, तेरे बिना और कौन है। सेक्सी वेदा, तूने ऐसी कोई गलती की है जिसे तू मानना चाहे? प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज सॉरी सॉरी। माफी मुझसे क्यों मांग रही है यार? तुझे तो माफी किसी और से मांगनी है ना। रॉकी मधु, मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी। दोस्तों से तू माफी मांग रही है, ऐसी गलती तूने क्या की? अगर यही बात है तो डिटेल में बता, ये लोग भी समझे ना। घर के अंदर से 50,000 चुराने वाली मैं ही थी। दोस्तों के साथ ही विश्वासघात। दोस्तों के साथ ही विश्वासघात, मार दी उन्हें पिछवाड़े पे लात। चल बता, चुराए हुए पैसों के साथ तूने क्या किया? डर मत बोल ना, दोस्तों को भी सच सुनने का पूरा अधिकार है। मेरी मम्मी ने जो पैसे भेजे थे खत्म हो गए थे, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा मैं अच्छी नहीं दिखती और वो मुझे छोड़कर चला गया, तो उसे दिखाने के लिए मैंने शॉपिंग, पब, ब्यूटी पार्लर, इन सब चीजों पर बहुत खर्चा किया। कपड़े खरीदे तूने? अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ औरतें साल में 2 बार साड़ी खरीद ले तो बहुत है। तू हफ्ते में 2 जोड़ी कपड़े खरीदती है और वो भी छोटे छोटे कपड़े? तो जैसे आधे नंगे कपड़े पहनने वाली लड़की को देखकर कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो इनोसेंट लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं तुझे पता भी है क्या? पता है? जब तेरे डैडी मरे थे तब तेरी माँ की उम्र सिर्फ 23 साल थी। अगर उसका दिल चाहता तो वो तुझे साइड में रख के बगल वाले घर में जाके खेल कूद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? पता है क्यों? उसने अपनी जिंदगी का हर एक सांस, अपना हर एक पल सिर्फ तेरे लिए जिया। पता है तुझे? Stupid girl. Daddy number 2, Mr. Iron Man. चिकने, अभी तेरी बारी है। किसी लड़के के साथ तूने मजाक किया, किसी आंटी को तूने पटा लिया, ऐसी थर्ड ग्रेड कहानी छोड़कर मुझे बता समथिंग इंटरेस्टिंग सत्य। राजा कम ऑन। मैं एक खराब बेटा हूँ। क्या बोला? मैं खराब बेटा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोल। मैं खराब बेटा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोल। मैं खराब बेटा हूँ। अपने मम्मी पापा से झूठ बोल के जी रहा हूँ। I'm sorry. मैंने तुझे जोर से बोलने के लिए कहा था, चिल्लाने के लिए। चिल्लाने के लिए नहीं बोला था मैंने। सच बोलते बात बहुत तकलीफ होती है ना? ये ले, तेरे बाप को फोन कर। कार। हेलो। हेलो रॉकी। हेलो डैडी, बचा लीजिए मुझे। रॉकी क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ बेटा, मुझे बता, बोल ना बेटा। कुछ नहीं डैडी, ऐसे ही आपसे बात करनी थी। रॉकी, रॉकी क्या हुआ तुझे, कहाँ है, कहाँ है तू? सपने से उठकर गिर गया क्या, बता ना। डैडी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या बोल रहा है तू? गलती की है इसीलिए फोन किया। ऐसी क्या गलती की? रॉकी क्या है बता ना। डैडी आपने जो पैसे भेजे थे उसे मैंने सिगरेट दारू में बर्बाद कर दिया पापा, और कॉलेज भी नहीं गया। सॉरी पापा। बेटा
दो साल से वहाँ पर है, अभी तक तू कॉलेज नहीं गया। तेरे लिए जो भी जायदाद थी उसे गिरवी रखकर मैंने पैसे भेजे थे। ऐसा क्यों किया तूने? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताओ ना रोहन, बताओ बेटा। बहुत हो गया तेरा फैमिली ड्रामा। तेरे डैडी ने किसी के पैर पकड़ कर रिश्वत देकर एक होनहार विद्यार्थी को जो जगह मिल सकती थी वो जगह तुझे देके उनका मौका छीनकर तुझे सीट दिलाई। और तूने क्या किया? बीआरपी के मुद दिया, अपने बाप का पैसा बर्बाद किया, उस लायक विद्यार्थी का मौका खराब कर दिया तूने। क्यों ना मारूं मैं तुझे? क्यों ना मारूं बता मुझे? हेलो बेटा रॉकी, यहाँ देखो, अगर तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली है या फिर कोई कंफ्यूजन है या फिर मैं जो तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मधु को बताने वाली ऐसी कोई गलती की है क्या तुमने? तुम्हारी कहानी तो किसी सीरियल से कम नहीं है, मैं खुद बताता हूँ। मधु, ये लोग दो दिन पहले अच्छी तरह पी खा के सोए थे, सोने के बाद अपने शरीर को इन्होंने बांटा। मस्ती में जब तैर रहे थे तभी एक दूसरे को तुम काट रहे थे, अभी पत्थर मार रहे हो? तुम दोनों ने तो सीक्रेट बता दिया, अभी मोस्ट शॉकिंग सीक्रेट है। इसके पास है ना मधु? इस तरफ देख, इस तरफ देख, इस तरफ देख। चेहरा छुपा सकती है लेकिन अपनी की हुई गलती को तू कभी नहीं छुपा सकती है। कम ऑन, मुंह खोल, तेरे पास जो सच है वो सबको बता दे। कम ऑन, ठीक, मुंह खोलने के लिए बोला था, उल्टी करने के लिए नहीं। थू तेरी तो। टॉकी, 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 ए रॉकी, ए ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो मेरी गर्लफ्रेंड से थोड़ा झगड़ा हो गया और कुछ नहीं। अंदर है क्या वो? ऐसा नहीं है भाई, जब मैंने उसे देखा था तभी शक हो गया था। जब मैं घर साफ कर रहा था ना तब मुझे एक पेपर मिला, पेपर के एक मैटर को देखकर ही मुझे डाउट हो गया था। वो जाने दे, छोड़, तू खुद देख ले, चलता हूं मैं। एक मिनट,
मधु, क्या करूं मैं? तकलीफ देने के लिए नहीं आया। सच क्या है उससे भी पता होना चाहिए ना, इसीलिए। करेंगे आप क्या करेगा पेपर पेपर पुराना बर्तन, पुराना खंबा, पुराना पेपर, रद्दी, ये प्यार, ये मोहब्बत, सब कुछ है रद्दी। इस पुराने पेपर में नई बात क्या है देखते हैं जरा। पम पम पम, दो दो चेहरे वाले बछड़े को पैदा किया भैंस ने। क्या बात है, दो जान और एक ही शरीर, बहुत बढ़िया। एक 7 साल की स्कूल की बालिका पर एक युवक ने बहुत ही खराब तरीके से अत्याचार किया। बेचारी बच्ची। ये जो भी रेप करने वाले लोग है ना, उन्हें बीच रास्ते पर ही मार देना चाहिए। बीवी की गलती की वजह से पति फांसी पर लटक गया। बेचारे सारे मर्द तड़प रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। इस पेपर में क्या है जरा देखो तो। ओ बिंगो, यम रूपी युवती। उस लड़की ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाई और फिर एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। Very sad. हमारे पत्रकार को मिली हुई जानकारी के अनुसार इस हादसे से जुड़ी हुई युवती एक प्रभावी राजनेता की बेटी है, ऐसा हमारे सूत्र कहते हैं। अरे मैडम, इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ मैडम। मैडम प्लीज मैडम, चुपचाप बैठे रहो। मैडम धीरे चलाओ मैडम। मैडम एक्सीडेंट हो जाएगा। मैडम मैडम आराम से। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? तू मुझे ओवरटेक करेगा? मैडम सुनिए ना मैडम, मैडम गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैडम मैडम सुनिए ना मैडम, गाड़ी रोक दीजिए। मैडम 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 धीरे मैडम, मैडम मैडम मेरी बात सुनिए। मेरी कार तो मैडम पर है। ऐसा मत कीजिए, गाड़ी रोक दीजिए। मैडम मैडम रोक दीजिए। मैडम ऐसा मत कीजिए। मैडम मैडम प्लीज मैडम, मैडम मैडम सामने देखिए। मैडम मैडम तो कड़वा ही होता है। ओहो, अपघात प्रकरण में इम्पोर्टेंट ये है कि पुलिस की शरण में आया वो आरोपी गाड़ी वही चला रहा था, ऐसा उसने एक्सेप्ट किया है। वेंकटेश ड्राइवर का नाम है, उस लड़की का पिता है प्रभावी राजनेता, और शायद इसीलिए ये केस क्लोज हो चुका है। Stop it! Please stop it! बहुत हो गया। Oh, hey, you're so famous. You're so great. I want to take your autograph, please. Give me, darling. You are so famous. Come on, give me, please. Stop it. I didn't do anything. It was just an accident.
तुझे उसके घर वालों ने भेजा है क्या? इसी वजह से तू हमें टॉर्चर कर रहा है? कोई भेजेगा तभी नहीं आता मैं, अगर कोई बुलाएगा तभी आता हूँ मैं। इधर सवाल मैं करूँगा और जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को देना है, समझे? शिट! गलत किस्म के लोगों को मारना बहुत मुश्किल होता है, ये मुझे पता है, इसीलिए मैं प्रिपेयर होकर आया हूँ। शैतान के मुंह से भगवत गीता। मधु टीचर, मैं सुसु करके आता हूँ, ठीक है? एक एक दो 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 तीन 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 दो 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 दो। तू, तुम्हारा ये टॉयलेट भी तुम्हारी तरह कितना गंदा है, इसे क्लीन करने की इतनी सेंस नहीं है तुम लोगों में? नॉनसेंस फेलोज। ठीक 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 ठीक, तुम लोगों में शर्म नहीं है तो क्या मुझ में भी नहीं है? जब मौत सामने होती है तभी तुम लोगों को मृत्युंजय मंत्र याद आता है ना? ओके, तुम तीनों को मैं एक मौका देता हूँ। तुम तीनों अगर मृत्युंजय मंत्र एक शब्द भी भूले बिना बोलोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, और अगर तुम लोगों ने एक शब्द भी गलत बोला तो तुम तीनों लोगों को मार दूंगा मैं। किसी की जान लेना तूने जितनी अच्छी तरह से सीखा है उतनी अच्छी तरह जान बचाने का मंत्र भी सीखा है तूने। चुंबकी रानी, अभी तेरी बारी। मुझे नहीं आता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुझे डर लगता है? हाँ, तू फ्रीडम चाहती है लेकिन इस समाज को तो तू डांटती रहती है, तुझे डर लग रहा है क्या? चुंबक की रानी फ्रीडम बोल रही है। फ्रीडम का मतलब क्या है तेरी भाषा में? ज्यादा हंसना, ज्यादा खाना या ज्यादा पीना या फिर ज्यादा लोगों के साथ सोना, ये क्या फ्रीडम तेरे लिए? फ्रीडम और स्वेच्छाचार के बारे में डिफरेंस नहीं पता? तुम लोगों को यहाँ जीने का हक नहीं, तुम जैसे को पाने वाली भारत माँ धन्य हो गई। धन्य। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐ डरो मत, यहाँ पे आओ। मंत्र नहीं आता ना, यहाँ पे आओ ना, मैं बताता हूँ तुझे। चलो बोलो। त्रयंबकम् त्रयंबकम् यजामहे 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 नहीं यजामहे त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम्। मेरी दोस्त को जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो अब तू ही समझा इसे अपने तरीके से। त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकी बंधनम् मृत्युमुक्षिम् अमृता। ए, कितना मस्त बोली रहे तू। अगर तू अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीती तो तेरी लाइफ इन जैसे डब्बों के साथ नहीं मिलती। हे चिकने, और अब है तेरी बारी। खोल खोल मुंह, खोल मुंह, खोलता क्यों नहीं, खोल मुंह, खोल। इतने दिन गलत बातें करता रहा था ना तू, अभी तो अच्छी बात कर, मुंह खोल अपना, बात नहीं करेगा तेरी ज़बान काट दूंगा मैं, बोल सच बोल।
सच सच बोल, जुबान खोल, सच सच बोल, छुपा के रखने का फायदा नहीं और बचने का कोई रास्ता नहीं, सच सच बोल, जुबान खोल, सच सच बोल, जुबान खोल, खोल दे, खोल दे, खोल दे। प्रिय दर्शकों, अभी हमारा खेल आखिरी स्टेज पर आ गया है। तीनों कंटेस्टेंट को एक अच्छा मौका है और आखिरी मौका जान बचाने का। ये तीनों अभी मृत्युंजय मंत्र बोलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने वाले हैं। कैदी नंबर वन, कैदी नंबर टू, कैदी नंबर थ्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रिय अम्मा, कब ये जाम है? स्टॉप इट, क्लियरली बोलो और जोर से बोलो। स्टॉप इट, गलत है, गलत है, गलत है। मैं तुम तीनों को एक आखिरी चांस देता हूँ, ओके? द लास्ट चांस। तुम्हें अगर जीना है तो ये आखिरी मौका है। कम ऑन। Calm down. मैं और तू दोनों पर्सनली बात करके हम ये कहानी खत्म कर देंगे, प्लीज। कर रहा है,
हर एक इंसान खुद को ही भगवान समझने लगा है और अपनी मनुष्यता को खो रहा है। भगवत गीता में ऐसे विकृत और विनाश के बारे में श्री कृष्ण परमात्मा ने क्या कहा है अगर कहूँ तो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्राणेर भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम् विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानी युगे युगे। कौन हो तुम, हमारी सदस्य क्यों कर रहे हो? कौन हूँ मैं ज्वालामुखी को जन्म देता हूँ, डुबाने वाली सुनामी और हिलाने वाला भूकंप हूँ मैं। मैं यहाँ पर इसलिए आया ताकि तुम जैसे खराब इंसानों को इस धरती से मिटा दूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग ही रहें। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो प्लीज। ओके, मैं तुझे छोड़ दूँगा। अगर तू इस धरती पर जीना चाहती है तो मुझे तेरे जिंदा रहने की कोई एक वजह बताओ। तू अपने आप को बचा सकती है लेकिन इसके लिए कोई वजह होनी चाहिए। क्या हो गया? लेकिन तुझे इस धरती पर नहीं जीना चाहिए, इसकी मेरे पास चार वजहें हैं, चार वजहें। और कोई गलती है जो तूने मुझे अभी तक नहीं बताई? ऐसा और कुछ भी नहीं है। मरने से पहले अगर गलतियों को नहीं माना ना तो तुझे प्रायश्चित नहीं मिलेगा। वो बच्ची मरी नहीं थी। तो तुमने क्या किया? जब वो एक्सीडेंट हुआ तब वो बच्ची मरी नहीं थी। मैडम चलिए, मैडम प्लीज, मैडम मैंने आपको पहले ही कहा था, मैडम चलिए चलिए यहाँ से, आइए आइए मैडम आइए। मतलब उस बच्ची को तूने वहीं रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया? तेरे में थोड़ी सी भी दया नहीं थी? अगर तूने थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो तू उस बच्ची को बचा सकती थी। उस बच्ची को तूने इंसान समझा या जानवर, या तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है? बस बहुत हो गया। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मार दो मुझे, मार दो मुझे। Kill me, just shoot me. ओके, ये ले, तू मुझे मार दे। मार, नहीं तो तू खुद को मार दे, ठीक है ना? तू मुझे मार देगी ना तो पुलिस वाले आ जाएंगे और जब वो तुझसे इंक्वायरी करेंगे तो तू ये कह सकती है कि सेल्फ डिफेंस में तूने मुझे मार दिया। तेरा बाप अच्छा लॉयर हायर करके तुझे छुड़ा देगा। उसके बाद तू दूसरे देश में जाकर नई जिंदगी शुरू कर देगी। हैप्पी एंडिंग। सोच क्या रही है तू? कम ऑन, ट्रिगर दबा। चार जान लेने वाली तू, तुझे एक और जान लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तू तो इसमें एक्सपर्ट है ना? कम ऑन, किल मी। स्पेशल ऑफर नए साल में खत्म हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बुरे लोगों को मारना सच्ची में बहुत मुश्किल काम है। इस कॉकरोच में और इस इंसान में कोई फर्क नहीं है। इसे जो काम नहीं करना चाहिए वो ये करता ही रहता है।
रॉकी क्या हुआ रॉकी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मधु, हम तीनों जिंदा है या फिर कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रॉकी, कितना टाइम लगा है तूने खोलने में? क्या रात भर पी के ऊँह कर रहा था? देख तो तेरे चेहरे का क्या हाल हुआ है। विकी, हेलो पापा। बोलो ना। कल रात मैंने आपको कॉल किया था क्या पापा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मम्मी। हाँ बोल बेटी, ठीक है ना? तो हाँ, मुझसे गलती हो गई पापा। आपने मुझे जो पैसे भेजे थे वो सब शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, पब वगैरह में मैंने खर्च कर दिए। मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया पापा। मैंने मेरे फ्रेंड के पैसे चोरी किए। अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए पापा। कहाँ जा रही हो? नई जिंदगी की शुरुआत करने। मतलब हमें जो जिंदगी मिली है उसे अच्छी तरह कैसे जीना है ये अब मैं समझ चुकी हूँ। जस्ट वन लाइफ गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट इट।
बी गुड, टेक केयर. हे बेटा, तू नाक से क्यों रो रही है? गाइस, लास्ट टाइम वन सेल्फी प्लीज. प्लीज कम. लिफ्ट रिपेयरिंग के लिए ओनर को बोलना पड़ेगा. क्यों, क्या हो गया? बहुत स्लो हो गई है. ऊपर से यहाँ एक बटन भी मिस है. विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, संत शिशुनार शरीफ, वसव जी जिस देश में पैदा हुए उस देश के युवक हो तुम लोग. सर्वे जनो सुखिनो भवंतु अम्बा समानते मंत्र बुद्धिश्रद्धा का निर्माण करने वाले भारत का दिया हो तुम लोग. मम्मी डैडी, देश के ये लोग तुम्हारी प्रशंसा करें. ऐसे बच्चे बनो. नए साल का नया दिन है तो नए जीवन का प्रारंभ करो. Be good or be God!